की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर फ्रीज को, जो आर्कटिक में अपने दो बियर्स और अपना गोद में लिया हुआ बेटा कुनक के साथ रहता था। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपनी वाइफ नोरा को एक ट्यूब में रखा हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी। कुछ टाइम के बाद उसके गुफा के नीचे से एक सबमरीन निकलती है, जिससे गुफा टूटने की वजह से उसकी वाइफ का ट्यूब भी टूट जाता है। अब मिस्टर फ्रीज को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उस सबमरीन में जितने भी लोग आए थे वो उन सबको फ्रीज कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, जहाँ गौथम सिटी में हम देखते हैं कि दो चोर ज्वेलरी स्टोर से सोना चुराकर भाग रहे होते हैं, पर तभी वहाँ बैटमैन और रॉबिन आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों एक पार्टी अटेंड करने जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मिस्टर फ्रीज गौथम सिटी में आकर डॉक्टर बेल्सन नाम के आदमी को पकड़ के ले जाता है, ताकि वो उसकी वाइफ को ठीक करे। पर डॉक्टर बेल्सन कहता है कि तुम्हारी वाइफ का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होते हैं और उसे बस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। फिर वो रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्हें एक डोनर मिल जाता है, जिसका नाम होता है बारबरा गॉर्डन, जो बैट गर्ल है और ये कमिश्नर गॉर्डन की बेटी है। वही पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर कुछ टाइम के बाद ब्रूस यानी बैटमैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ मिस्टर फ्रीज पहुँच जाता है और बारबरा को अपने साथ चलने को कहता है, पर रॉबिन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सूट के वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। इसलिए बारबरा कहती है कि उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर मिस्टर फ्रीज उसको लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर रॉबिन दोबारा बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर फ्रीज अपना दिमाग लगाकर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और बारबरा को किसी जगह में ले जाता है। पर वो कई बार वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं जा ही नहीं पाती, क्योंकि वो जिस जगह में थी वो एक ऑयल रिग था जो समंदर के बीचों बीच था। अब डॉक्टर बेल्सन उसका ऑपरेशन स्टार्ट करने ही वाला था, पर मिस्टर फ्रीज का बेटा कुनक उनको देख लेता है, जिससे उसको काफी बुरा लगता है, इसलिए वो बारबरा को वहाँ से भागने में मदद करता है। दूसरी तरफ बैटमैन और रॉबिन किसी तरह पता कर ही लेते हैं कि इन सब के पीछे मिस्टर फ्रीज का हाथ है। फिर वो बैटविंग को लेकर सीधा उस ऑयल रिग में पहुंच जाते हैं। यहाँ बारबरा के पीछे डॉक्टर बेल्सन पड़ा हुआ था, जो एक ऑयल टैंक को शूट कर देता है, जिससे वहाँ आग पकड़ लेती है। वही बैटमैन और रॉबिन उन बियर्स का सामना कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे वो जगह ब्लास्ट होने लगती है और मिस्टर फ्रीज वही फंस जाता है, लेकिन डॉक्टर बेल्सन वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन और बारबरा मिलकर मिस्टर फ्रीज की वाइफ और उसके बेटे को बचा कर ले आते हैं। फिर बैटमैन दोबारा अंदर जाता है मिस्टर फ्रीज को बचाने, लेकिन वो उसको बचा ही नहीं पाता, वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है, पर बैटमैन और बाकी सब सही सलामत वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि वेन टेक कॉर्पोरेशन का सीईओ ब्रूस वेन ने बहुत पैसा खर्च करके मिस्टर फ्रीज की वाइफ को बचा लिया। वही मिस्टर फ्रीज इस न्यूज को देख रहा होता है। एक्चुअली वो मरा नहीं था, वो भी किसी तरह वहाँ सरवाइव कर गया था। अब जैसे कि वो सबके नजरों में एक मुजरिम है, इसलिए वो अपने बियर्स के साथ दोबारा अपने गुफा में चला जाता है। इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।